लोकसभा चुनाव के छठे फेज के लिए कल वोटिंग होगी। इस फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। हर फेज की तरह छठे फेज में भी कई बड़े दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद होना है। प्रचार कल थम गया था। चुनाव आयोग के मुताबिक छठे फेज में 889 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 797 पुरुष और 92 महिला उम्मीदवार हैं। हर फेज की तरह इस फेज में भी बड़ी पार्टियों के नेता और बाहुबली मैदान में हैं। कल के बड़े उम्मीदवारों में 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर फरीदाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा इस चरण में 3 पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और जगदम्बिका पाल भी चुनाव लड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग सीट से चुनाव में किस्मत आजमा रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल सीट और बीजेपी के जगदम्बिका पाल डुमरियागंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कई और बड़े चेहरों का भी कल जनता अपने मत से फैसला करने वाली है। इनमें मेनका गांधी उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर लोकसभा सीट से, संबित पात्रा उड़ीसा के पुरी संसदीय क्षेत्र से, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से मैदान में है। नॉर्थ दिल्ली सीट पर बीजेपी के मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। आजमगढ़ सीट पर निरहुआ और सपा नेता धर्मेंद्र यादव के बीच मुकाबला है। सिक्स फेज में कई बाहुबली कैंडिडेट या उनकी पत्नियों की किस्मत का भी फैसला होना है। इनमें बिहार की शिवहर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव मैदान में है। सिवान से शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब किस्मत आजमा रही हैं। वैशाली सीट की बात करें तो अंडरवर्ल्ड से पहचान रखने वाले बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला ताल ठोक रहे हैं। छठे फेज की वोटिंग शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटों का वक्त बचा है और सबकी नजरें दिल्ली की 7 सीटों पर हैं। जी न्यूज ने दिल्ली में वोटिंग डे से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से खास बातचीत की। मेरा सबसे पहला सवाल, आप चुप क्यों हैं? सब सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ उस दिन। स्वाति मालीवाल का मैं जिक्र कर रही हूँ। नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। तो अब दो वर्जन है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। दो वर्जन है, एक स्वाति जी का वर्जन है, एक विभव का वर्जन है। दोनों वर्जन पुलिस के सामने है, पुलिस जाँच कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ईमानदार जांच होगी और मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है और कोर्ट न्याय करेगा। तो मेरा इस वक्त मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, मुझे बहुत तकलीफ हुई। लोकसभा की 543 सीटों के लिए अब तक 5 चरण में 428 सीटों पर वोट ईवीएम में लॉक हो चुके हैं और हर चरण में 60% से ऊपर वोटिंग हुई है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर 64.14% वोटिंग हुई। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर 66.71% वोटिंग हुई। 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीटों पर 65.68% वोटिंग हुई थी। 13 मई को चौथे चरण में 96 सीटों पर वोटिंग का फाइनल आंकड़ा 69.16% रहा। 20 मई को 49 सीटों पर वोटिंग हुई। इस फेज में 62.02% वोटिंग हुई। वोट बड़ी चोट करते हैं, जब कम पड़े तब भी और जब ज्यादा पड़े तब भी। पार्टियों के लिए भी अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि वोट किस तरफ जा रहा है। बीजेपी ने 400 पार का टारगेट रखा है तो विपक्ष वोटर को अपने पक्ष में बता रहा है, लेकिन फाइनल नतीजा 4 जून को आना है। 4 जून को ही पता चलेगा कि देश की जनता ने किसे चुना है। Z News.